दिल्ली के अस्पताल अब कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनते जा रहे हैं, इसलिए ये ध्यान रखें कि जब भी आप अस्पताल जाएं तो बेहद सावधानी बरतें। सुपर स्प्रेडर से मतलब है कि तेजी से कोरोना फैलाने वाला। ऐसा देखा गया है कि इस वक्त अस्पतालों में कोरोना के जिन मरीजों का इलाज जारी है उनमें से अधिकतर ऐसे हैं जो किसी और बीमारी के इलाज के लिए आए थे। रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सेज व अन्य स्टाफ भी तेजी से संक्रमित होते देखे गए हैं। आपको बताएं, अस्पतालों में कोरोना वायरस के सुपर स्प्रेडर बनने की ये बात आज की नहीं है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस वक्त भी एम्स का करीब 550 का स्टाफ, लेडी होर्डिंग में 200 का स्टाफ, आरएमएल में करीब 150 का स्टाफ, सफदरजंग में 200 का स्टाफ, बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में 100 लोगों का स्टाफ कोरोना संक्रमित है। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर से मिली जानकारी के मुताबिक रोजाना बेड्स की संख्या भी बढ़ती जा रही है। रोजाना बड़ी संख्या में स्टाफ भी पॉजिटिव मिलता जा रहा है, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर से लेकर नर्स व स्टाफ शामिल है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।